नमस्कार, मेरा नाम आनंद धारस्कर है। मैं यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। पुणे में स्थित आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल में मैं रोज़ यूरोलॉजी की सेवा देता हूँ। आज हम प्रोस्टेट यानी गदूत के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आम आदमी जिसे प्रोस्टेट कहता है या पुरुष ग्रंथि कहता है, उसको हिंदी में गदूत भी बोला जाता है, पर यह गदूत बहुत लोगों को कॉमन वर्ड नहीं लगता, तो हम इसके आगे हम उसको प्रोस्टेट के नाम से ही बोलेंगे। तो ज़्यादातर प्रोस्टेट से रिलेटेड जो जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट ये सभी पुरुषों में मिलता है, यानी नवजात शिशु से लेके बूढ़े इंसान तक सब में प्रोस्टेट होता है। इसका जो सिम्टम है ये बहुत ही कॉमन बीमारियों में आता है, जैसे कि 60 साल के आसपास की उम्र के लोगों में 50% लोगों में मिलेगा। जैसे जैसे हम 80-85 साल के होंगे, ये 90% ये सिम्टम्स इसके मिलेंगे। तो आज हम यही जानेंगे कि प्रोस्टेट के कॉमन सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले होता है कि हमको रात में यूरिन के लिए उठना पड़ता है। जबकि हम एक बार उठ सकते हैं तो वो नॉर्मल माना जाता है, पर एक से ज़्यादा उठेंगे तो इसको नॉक्टुरिया नाम का सिम्टम बोला जाता है। दूसरे सिम्टम्स और ये हो सकते हैं कि दिन में हमें बार बार यूरिन लगेगी। यूरिन करने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि कुछ यूरिन बचा हुआ है, या यूरिन करने का जो समय है वो ज़्यादा है, रुक रुक के पेशाब आ रही है और हमें जोर लगाना पड़ रहा है। ये सारे सिम्टम प्रोस्टेट से रिलेटेड होते हैं। यदि इस स्टेज पे मरीज डॉक्टर के पास आता है तो उसका बहुत ही आसान और सरल उपाय है। पहले तो उसकी एक जाँच होगी, फिजिकल जाँच जिसको कहा जाता है। प्रोस्टेट को उंगली से टच किया जाएगा, उसके बाद कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताए जाएंगे, और ज़्यादातर लोगों में ऑब्जर्वेशन तक ही सीमित उपचार है। तो ये बहुत ही आसान है, बट आपको ये समझना है कि ये सिम्टम्स को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ज़्यादातर लोग इसे ये समझते हैं कि ये उम्र दराज बीमारी है और ये उम्र के साथ सबको होती है, बट उम्र के साथ ये सबको नहीं होती है। इसके पीछे प्रोस्टेट होता है और उसका एक सरल सा उपाय है। इसके बाद के स्टेज में ये होता है कि प्रोस्टेट से कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू होते हैं, जैसे कि पेशाब में इन्फेक्शन होना, ताकि फिर आपको बार बार यूरिन लगे, जलन हो, बुखार आए, कभी खून आए। उसके बाद कभी हो सकता है तो स्टोन बन जाते हैं, किडनी में सूजन हो जाती है, किडनी का फंक्शन कम हो जाता है और आपके ब्लड रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन नाम की केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे स्टेज में ये सिम्टम से ज़्यादा होकर ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने वाला प्रॉब्लम शुरू होता है, तब आपको कुछ दवाइयाँ चाहिए होती है और आपको मेडिकल कंसल्टेशन करना होता है। उसके बाद वाली स्टेज में जब हम गोलियां शुरू कर सकते हैं, गोलियों में भी 2 या 3 प्रकार की गोलियां आते हैं। उसके नाम से ज़्यादा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये गोलियां रोज़ रात को दिन में एक बार लेनी है, और आपको दिन भर जो पेशाब होगा वो खुली मात्रा में होगा, करने के बाद आपको राहत मिलेगी और रात को उठना नहीं पड़ेगा, और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस प्रकार की गोलियां लोगों ने 5 से 10 साल तक कंटिन्यूसली ली है और उनको सारा फ़ायदा मिला है और उनका लाइफ बेहतर हुआ है। जब इससे प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन जिसको कहा जाता है, छोटा सा बिना टाके वाला दूरबीन का ऑपरेशन कहा जाता है, वो होता है। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं कि हमारा पेशाब का थैली ये है, जो सबसे नीचे होता है हमारा नाभि के नीचे। उसके नीचे से आने वाला ये जो ग्रंथि है, ये हमारा अक्रोड के शेप का या आंवला का शेप का एक छोटा सा नींबू के शेप का मानिए आप एक ग्रंथि होता है, उसमें से यूरिनरी पाइप जाता है। जब ये ग्रंथि बढ़ जाएगा तब हमें प्रोस्टेट का प्रॉब्लम शुरू होगा। और हमें आप एक को ये बताना चाहेंगे, प्रोस्टेट के सारे ऑपरेशन जो है वो बिना टाके के है, कोई पेशाब के रास्ते से मतलब यूरिनरी पैसेज से ही किए जाएंगे, ताकि आपको कोई स्टिच या टाके नहीं लगेंगे। सिर्फ पेशाब की नली 1 या 2 दिन तक रहेगी। तो 2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो कन्वेंशनल तरीका था प्रोस्टेट ऑपरेशन का, तो सबसे पहले जो था वो था ओपन, तो उसके बारे में हम आज बात बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो अभी एब्सोल्यूट यानी प्रैक्टिस में नहीं है। तो कॉमन तरीका जो होता है वो है TURP, जिसको दूरबीन के रास्ते से प्रोस्टेट को निकाला जाएगा, पर उसमें करंट यूज़ होता है और छोटे छोटे टुकड़े किए जाते, जैसे आप घर में अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हो और अदरक को आप छोटे छोटे हिस्से में निकाल रहे हो, उस तरीके से प्रोस्टेट को निकाला जाता है। बट अभी जो नया तरीका है, जो आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से प्रैक्टिस में लाया जा चुका है, उसका नाम है होल्मियम लेज़र इन्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट।
आप आसान लफ्जों में इसको लेजर प्रोस्टेट सर्जरी समझ लीजिए। ये 10 साल से ज़्यादा समय से यहाँ पे उपयोग में लाई जा चुकी है और इसका फायदा ये कि प्रोस्टेट को ब्लॉक में निकाला जाता है। जैसे आपने एप्पल को दो टुकड़े कर दिए उसके, तो एक एक टुकड़े को जैसे निकालोगे वैसे उसको लेजर से निकाला जाता है। ये ब्लडलेस सर्जरी है, इसमें टाके लगते नहीं है और जो पेशेंट हाई रिस्क है, जैसे मान लो उनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनके लिए सबसे बेहतर है, नॉर्मल प्रोसीजर से भी अच्छी मानी जाती है। तो ये लेजर प्रोस्टेट सर्जरी करने से आपका जीवन बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से खुशहाल बनाया जा सकता है। दूसरी बात, एक प्रोस्टेट कैंसर नाम का भी एक प्रॉब्लम अभी कॉमनली देखा जाता है, उसके लिए हमें एक PSA नाम का ब्लड टेस्ट करना होता है। और जब ये प्रोस्टेट कैंसर यदि डिटेक्ट हो जाए और अर्ली स्टेज में है तो उसको रोबोटिक तरीके से भी ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। आपको ये जान के खुशी होगी कि आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल में ये वर्ल्ड क्लास रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी भी अभी मुहैया कराई गई है और आप लोग इन सब का फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।